हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। तो अभी जैसे थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया है मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, अभी इस बच्चे में पेट्रोल है थोड़ा सा, तो अभी पेट्रोल भराने चलते हैं पेट्रोल पंप पे। अरे भराने नहीं, बोतल में भराऊंगा भाई, दिखाऊंगा एक लीटर पेट्रोल डाल रहा हूँ। तो व्हाट्स अप गाइस, अभी पेट्रोल भराने नहीं, इसमें जितना पेट्रोल है पूरा खर्च होगा वो भाई, एक भी दाना नहीं बचेगा इसके अंदर जितना भी है। पेट्रोल पंप में बोतल में पेट्रोल भराऊंगा एक लीटर का, उससे ऊपर न नीचे। इंडियन ऑयल पेट्रोल भराएंगे बोतल में, बोतल। अंकल बोतल में भरना है पेट्रोल, ना गाड़ी में नहीं, 200 का ना, 200 नहीं, इसमें एक लीटर और इसमें भी एक लीटर, 200 का करो ना पूरा। नहीं नहीं, एक एक लीटर चाहिए। मैं चिल्लर मेरे पे है, दिक्कत कहाँ आ रही है अंकल। तो चलिए भरा चुके हैं हम पेट्रोल, और अब इसका पेट्रोल निचोड़ते हैं ज़रा, जितना निचोड़ सके हम, और उसके बाद किलोमीटर की रीडिंग वगैरह सब देखेंगे। पर पहले इसका पेट्रोल निचोड़ते हैं, जहाँ पे पेट्रोल ख़त्म होगा वहाँ पे ही दिखाऊंगा सीधे आपको। तो अभी हम आ चुके हैं थोड़ा खुले इलाके में। यार दिक्कत ही हो रही है ना, मैं ला गया हूँ तो एक लीटर की दो बोतलें और इसमें पेट्रोल भी है। अब खुद सोचो, अगर आप जाओगे पेट्रोल ख़त्म हुआ आगे जाके, और फिर वापस भी तो आने हैं एक लीटर में, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मिसिंग मारने लग गई है मेरी बाइक, और मेरा पेट्रोल यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और ओए होए होए ओए 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 ओए, इस मोड़ पे जाके मैं पेट्रोल भरता हूँ ज़रा अपना। भाई साहब ये क्या पाप हो गया मेरे से। बेबी कितना पियोगी आप। तो मैं दिखाता हूँ आपको बोतलें कैसे कैसे भर रखी है, यहाँ देखिए। वाह ड्यूक बेबी, कौन सा वाला पियोगी बताओ, लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो ये 85 का है, ये 82 का है, तो इसको भरता हूँ पहले मैं। बड़ी बोतल बात के लिए संभालते हैं। चलो बेबी ढंग से पीना है। तो ये एक लीटर इसके अंदर चली गया है, और इस बोतल को हम डिस्पोज कर देंगे कहीं पे, बाद में फेंकूंगा नहीं यार। अब देखो ये हो गया है, इसमें भर चुका है पेट्रोल एक लीटर। ओके अब देखते हैं कितना, 4683। भाई मैं फ़ोटो ले लेता हूँ क्योंकि अपनी याददाश्त है कमज़ोर। तो 4683 किलोमीटर ये चल चुका है, और अब देखते हैं एक लीटर में कितना देती है माइलेज। तो यहाँ से अभी हम धारी देवी जाएंगे और धारी देवी से वापस आएंगे, तो तब देखते हैं कितना देगी। तो अभी ये थोड़ा जर्क क्या कर रही है। तो चलिए अब हम चलेंगे धारी देवी, और मैं भगाऊंगा नहीं, इकोनॉमी में मतलब देखो, अभी सर्विस हो रही है मेरी बाइक, तो मतलब कंडीशन वेल मेंटेन्ड है एकदम, ठीक है। और इसके बाद मैं देखता हूँ 4683, ठीक है, तो ये कितना एवरेज देती है इसके बाद एक लीटर में, और जहाँ पे फिर दोबारा से गप गप होगा वहाँ पे हम भर देंगे अपना पेट्रोल, और फिर पेट्रोल पंप जाएंगे भराने के लिए वापस। अभी जैसे आपने मेरी पहली वीडियो में देखा, मैंने सर्विस कराई है, ऊपर दे रखा है मैंने सर्विस कराई हुई जो वीडियोज़ है। तो भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ही बेकार सर्विस हो रखी है। मैंने उनको सिर्फ दो चीज़ों के लिए बोला था सर्विस करने के लिए, और वो भी उन्होंने मतलब सर्विस में जैसे इशू होते हैं जो, तो ऐसा कुछ भी सही नहीं हो रखा है, दोनों की दोनों चीज़ें ख़राब थी। फिर यहाँ आके मुझे अपने एक मित्र से सही करवानी पड़ी वो चीज़ें। बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ यार, देखो सर्विस सेंटर नाम ही नाम का सर्विस सेंटर है, पर ये इंजन ऑयल वगैरह सब सही है। एक किलोमीटर हो गया, एक किलोमीटर, हाँ। तो जल्दी देखता हूँ मैं कितना चलती है, कितना देती है। यार मैं इकोनॉमी में नहीं, मैं अपनी तरीके से चलाऊँगा जैसे मैं चलाता ही हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं चेक करूँगा कि कितना पेट्रोल पी रही है, तो देखते हैं।
वैसे इस बेचारी का टायर मर रखा है ऊपर से ऐसी रोड में। अरे हाय पंचर ना हो बस एक और बार वरना मैं लूट जाऊंगा। 7000 7500 रुपए का टायर है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रेड कारपेट बिछाया जाएगा यहाँ पे। तो यार ये देखो ये जो बाइक है ये जो मुझे एवरेज देती है 18-20 तक का एवरेज देती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अब चेक करते हैं ना अब कितना देगी एवरेज तो पता लग जाएगा मुझे भी। वैसे मैंने आज तक अभी टेस्ट करा नहीं है ऐसे, क्योंकि देखो अब हमें 100 रुपये का पेट्रोल भराने वाले हैं तो इतना कोई ध्यान नहीं देता। 100 का पेट्रोल कितने दिन चलता है हम ये देखते हैं बस, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि किलोमीटर वगैरह। वाह क्या नज़ारा रहता है इस रोड में यार। और अकेले अकेले ड्राइव करो ना मतलब आए हाय 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 मज़ा ही अलग है भाई। पीछे किसी को नहीं बैठाना, किसी को भी नहीं। कोई लड़की भी आके तुम्हें बोले भैया पीछे बैठना है, पहले तो बोलना भैया क्यों बोला, फिर उसे बोलना निकल, ठीक है। ड्यूक मेरा भाई भला ही देखो 18-20 का एवरेज देती है मगर 10 किलोमीटर में भी मेरी फटने लग गई पता नहीं क्यों, कहीं ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म होने का डर यू नो। ये हाईवे का ही है देखो, हाईवे है ये तो, हाईवे में ही मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब मार्केट वगैरह जाके मतलब चलाता तो ऐसे ही है यार, सब ऐसे ही चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये नीचे है आपका धारी देवी मंदिर। मैंने इस पर कभी व्लॉग नहीं बनाया यार, मंदिर क्या बोलूँ मैं अभी, अब धारी देवी क्या करें, तब यहीं से मुड़ जाए। चलो तो अब वापस ही चलते हैं थोड़ा, कितने किलोमीटर में ये भूस होता है इसका पेट्रोल। तो मतलब मैं चला तो वैसे रहूँ जैसे मैं नॉर्मल चलाता हूँ। जहाँ पर से मैंने स्टार्ट करा था वहाँ पर दिखाऊँगा मैं, और वहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे हम कि कुछ होता है मतलब क्या बोलते हैं उस बीच तो कुछ होने का नहीं, ठीक है। जहाँ पर से स्टार्ट करा था तो वहाँ पे देखते हैं एग्जैक्ट कितने किलोमीटर हो जाएगा और कितने किलोमीटर और हम चलेंगे, वहाँ से दिखाते हैं फिर उसके बाद। वाह यार ये लाइट बहुत प्यारी लगती है, सनलाइट गोल्डन आवर्स। हाँ तो इधर ही कहीं से मैंने स्टार्ट करा था, और ये देखो आप 4700। तो अभी तक हम चला चुके हैं आपकी गाड़ी मतलब हमारी गाड़ी मेरी गाड़ी हिसाब करके देखते हैं 17 किलोमीटर ओनली, ठीक है। तो 17 किलोमीटर अभी हम चला चुके हैं और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ क्या बोलते हैं एवरेज नहीं, क्योंकि मैंने बोला था ना कि 20 का तो दे ही देती है यार, एटलीस्ट 20 का तो देगी वरना फेंक दूंगा फेंक नीचे नदी में। तो यार एक बार रुक के चेक कर लेता हूँ कितना पेट्रोल है ना, यहीं पर रुकता हूँ और देखते हैं भैया पेट्रोल कितना है टंकी में। ओहो आवाज़ तो आ रही है, खाली खाली सा भी लग रहा है, ये क्या माया है प्रभु, ऐसा ना करो हमारे साथ, हमें क्या जंगल में फंसाओगे क्या, धक्का मारने की नौबत लगी कहीं क्या, मतलब अब क्या मुझे सिटी टूर कराओगे क्या। अब मुझे लग रहा है निचोड़ना ही पड़ेगा मुझे अच्छे से, अभी चलेगा ये देखो 4701 हो गया है तो अभी तक मतलब माइलेज तो अच्छा दे रही है, और अभी देगी भाई देगी तो और देगी मुझे माइलेज, मुझे पता है। तो मुझे यहाँ से तो मुझे देहरादून पहुँचाएगी बेबी, कितना देगी और किसको देगी कोई दे रही है वैसे बेबी, पर एवरेज कितना देगी, एवरेज मुझको दे रही है और एवरेज कितना देगी ये बोल रहा हूँ मैं। तो अभी देखते हैं बेबी की पावर कौन, बेबी यू कैन डू इट। तो रिकॉर्ड पूरा करूँगा भाई, कहीं पर भी गप गप हो सकता है और फक फक हो सकता है। चुप कर यार भाई, कान फोड़ दिए तूने, जीत हमारी होगी। तू हरवा रहा है यार हमको, भयंकर कान फाड़ दिए, लगा रहता भाई बोलने पे लगा रहता, चुप ही नहीं होता। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था ये ब्लॉग बनाना, और अभी देखो 1703 तो मतलब 21 किलोमीटर का एवरेज। बाबा इम्पॉसिबल, बाबा इम्पॉसिबल। मतलब जब मैंने सर्विस कराई थी उससे पहले का मुझे एवरेज जो मिल रहा था वो था 18,
और 18 ही था, और अब मतलब अब सर्विस हो गया क्योंकि 10 महीने बाद सर्विस हुई भाई, लॉकडाउन आया बीच में, सब कुछ आया, तो उस वजह से 10 महीने बाद सर्विस हुई इस गाड़ी की। और अब देखो मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे अभी हम शहर के अंदर पहुँच चुके हैं और शहर के अंदर पेट्रोल ख़त्म होना मतलब घनघोर बेइज्जती, और वो भी 390 में। देखो लोगों को थोड़ी पता मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 लीटर पे, ठीक है, बीच मार्केट में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो सोचो क्या होगा। लोग बोलेंगे एक तो गोप्रो लगा रखा तूने, दूसरा 390 चला रहा तू, और तेरा पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, भाई तू करेगा क्या ज़िंदगी में। तो यार किधर चला जाए, किधर चला जाए, कमोन कमोन कमोन, जल्दी पेट्रोल ख़त्म हो यार। अब तो मुझे भी शक हो रहा है ये कर क्या रहा है, ये कितने किलोमीटर चल गई गाड़ी। ओ भाई ओए ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, जब 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 होने लग गया, जब जब गप गप पक पक, जो भी आवाज़ निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, सब होने लग गया है। ये देखो ये देखो, और ये सेकंड गियर में, और ये घच 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 घच, अब यहाँ पे हमें पेट्रोल भरना पड़ेगा इसका। और किस्मत देखो ना, किस्मत देखो, पहले पेट्रोल पंप बगल में ही है, पेट्रोल पंप बगल में ही है भाई, ये है मेरी किस्मत, अब बताओ। और यहाँ पे पेट्रोल एकदम जीरो, पहले दिखा देता हूँ 4705 किलोमीटर, मतलब ये देखो 4705, रुको और 4705 पे इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो भाई साहब मतलब 23 का एवरेज दिया, 18 से 23, तो मतलब 5 किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, कितनी बड़ी बात है यार, और वो भी हम जैसे गरीब लोगों के लिए। तो मैं गरीब हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो मतलब यार ज़िंदगी झंड है मगर हमको नहीं घमंड है। 18 का एवरेज दे रही थी तब भी मैं खुश था, 23 का एवरेज दे रही है अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पहले मैं इसका पेट्रोल भर देता हूँ यार, मतलब जो मैं बोतल ला रखा हूँ। डस्टबिन किधर है, डस्टबिन डस्टबिन डस्टबिन, ये रहा डस्टबिन, तो यहाँ पे मैं पेट्रोल भरता हूँ अपना। यहाँ पे ये पेट्रोल ही भरता हूँ। हाँ सर, तुम्हारा भाई मौत के कुएं में जाएगा सीधे, रुक जाओ देखते जाओ बस। ये रख देता हूँ यार, मैंने भी क्या करना है इनका, फालतू में बोझा बन रखी। एंकर की अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये काहे का। अरे भाई अगर वीडियो हमारी पसंद आई होगी आपको 1 लीटर चैलेंज की, तो देखो रिस्क रिस्क में करा मैंने, रिस्क में रिस्क हो गया बड़ा, रिस्क रिस्क समझे क्या, रिस्क मैंने आप लोगों के लिए ही लिया है। काफ़ी मतलब गलत चीज़ हो गई थी मेरे साथ, मैं अपने साथ 1 लीटर पेट्रोल ले गया था और 1 लीटर और ले गया था। तो मतलब अगर मैं ज़्यादा लंबा जाता तो वापस आना मेरा मुश्किल हो जाता, ठीक है, तो इसलिए मतलब मैंने एक रूट सेट करा जो लगभग 20 किलोमीटर अप्रॉक्स था, 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आने वाली कोई चीज़ है तो नहीं वैसे, क्योंकि खुद ही से कर रहा हूँ, अपना ही कटा रहा हूँ, अपना ही कर रहा हूँ, अगर फिर भी पसंद आई होगी तो यार एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे पता है आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भैया देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ना, क्या शर्म आ रही है तुमको, ये बताओ शर्म आ कहाँ रही है, मतलब दिक्कत आ रही कोई है। अब मैं क्या इनविटेशन वो भेजने लग जाऊँगा, इनवाइट कोड लोगों को, 10-10 रुपये आपके अकाउंट में फ्री में है, कर लो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो ठीक है, ऐसी मतलब आइडिया देते रहिए आप लोग, और तब मैं और वीडियो ऐसी बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक इट, नहीं आएगी तो सोच लो। चलो ठीक है, बाय सबको मेरे दोस्तों, मेरे भाई, टाटा।